हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राजा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप के विक्टर आर्ट कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एकदम आप प्रॉपर अच्छे तरीके से एकदम विक्टर आर्ट कैसे बना सकते हो। शर्ट की तरह कोई फेक ऐप नहीं है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना कि कैसे गाइस आपको क्या करना है। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट फॉर इट। सो गाइस, सबसे पहले तो आपने इस वाले ऐप को ओपन कर लेना। इसका नाम है टूनैप, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थोड़ा पैड ऐप है, तो यहाँ पर देखना आपने ओपन करने के वैसे कुछ इस टाइप का आएगा। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, फिर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ कट का ऑप्शन मिलेगा, आपने कट पर क्लिक कर देना है और फिर इसको अलाउ कर देना है। और फिर क्या करना है गाइस, आपने अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैड आएगा, तो आपने बैक कर लेना है। और गाइज, ये ऑटोमेटिक क्रॉप कर लेगा आपके फेस को। यहाँ पे गाइज आप अपने फेस का एक बार विक्टर आर्ट बना लें, तो यहाँ पे आपने ओके पर क्लिक करना है। और फिर गाइज ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर गाइज आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये परचेज करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ देखना, आपको एक ऐड दिखेगा और ये 5 सेकेंड का ऐड होगा मुश्किल से। और उसके बाद से यहाँ पे कट का ऑप्शन आएगा, आपने कट कर लेना है। फिर गाइस देखिए, ये आपका बनकर रेडी हो गया है। तो गाइस, इसमें बहुत सारे कलर बैकग्राउंड और कुछ प्रीमियम बैकग्राउंड है। तो गाइस, अगर आपको प्रीमियम बैकग्राउंड फ्री में चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आप आराम से एकदम सीख सकते हो, उसका आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये ब्लू कलर वाला आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर अप्लाई पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको देखेगा मिनी इमेज का, तो आपने उसको ऑफ कर देना है और उसके बाद से इसको सेव करना है, ठीक है। तो गाइज ये हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं। और फिर गाइज हम दूसरी फोटो को दोबारा से लेंगे। और गाइज इस बार हमें साइज़ को थोड़ा बड़ा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज इसमें साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद से यहाँ से इसको हम डन कर लेंगे, मतलब ओके कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे भी हमारा बनकर रेडी हो गया। तो यहाँ पे राइट साइड में हम ऐड की तरफ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गाइज हमारा 5 सेकेंड का ऐड दिखाएगा। तो गाइज ये फुल फोटो का अच्छे से विक्टर आर्ट नहीं बना पाता है, तो इसलिए गाइज इसमें सेल्फी का यूज़ ज़्यादा करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे गाइज सेम हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, जो गाइज हमारा फेस है वो एकदम ख़राब सा हो चुका है, तो यहाँ पर हम सेव करेंगे। और यहाँ पर मिनी इमेज ऑफ कर देते हैं और इसको सेव कर लेंगे। तो गाइज जो हमने अभी इमेज सेव की थी उसको गाइज आपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है, फिर इसको रिसाइज पर ले जाना है। और यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं, 25 कर लेना है। और उसके बाद से इसको रिसाइज कर लेंगे। और फिर गाइज हम ऐड फोटो पे जाएंगे। और जो गाइज फर्स्ट टाइम हमने टूनैप में सेव की थी अपनी फोटो को, तो यहाँ पे गाइज हम उसको ऐड कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको अपने फेस के ऊपर सेट करके इसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये हमारा अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद से हम इसको इरेजर पर ले जाएंगे और यहाँ पर नीचे वाले एरिया को जो हमारा दिख रहा है उसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम इसको कुछ इस टाइप से इरेज कर देंगे। देखिए गाइस एकदम अच्छे से ये मर्ज हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये एकदम प्रॉपर विक्टर आर्ट लग रहा है। तो यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे, क्योंकि गाइस अगर उसमें अपनी फुल फोटो को आप डालते हो तो वो आपकी फोटो को ख़राब कर देता है। उसमें गाइस सेल्फी की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं क्लोन के ऊपर, और जो हमारा ये टूनैप लिखा हुआ है इसको गाइस हम क्लोन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार टैप करते हैं और इसको हम क्लोन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइस इसको एकदम हमने अच्छे से क्लोन कर लिया। उसके बाद से क्या करेंगे, हम इसको क्रॉप में लेके जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, जो गाइस हम क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको गाइस हम पोर्ट्रेट साइज में कर लेते हैं, जो कि गाइस हमारे इंस्टाग्राम का साइज है। उसके बाद से यहाँ से इसको डन कर लेंगे। और फिर गाइस इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। और देन गाइस आपने क्या करना है, आपने चले जाना है एफएक्स में, और यहाँ पे गाइज आपके कलर्स में जाना है। और यहाँ पे कलराइज में जाना है, फिर क्या करना है, उसके यू को फुल माइनस कर देना है, मतलब जीरो कर देना है। फिर इरेजर पे जाना है और यहाँ पे गाइज आपको सेप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गाइज आपने स्क्वायर वाला एरिया सेलेक्ट कर लेना है। और फिर क्या करना है, आपने इसको अपने आधे फेस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और देन यहाँ से इसको डन करना है, या फिर एक बार आप टैप कर दो तो हो जाएगा। और इसमें फेड गाइज हम 30 के आसपास रख लेते हैं।
और फिर गाइस हम इसको इरेजर पे लेके जाते हैं और इसको गाइस हम इन्वर्ट करके दूसरी तरफ कर देते हैं। हाँ, इस टाइप को ज़्यादा सही लग रहा है, तो यहाँ से अब इसको डन कर देंगे। और यहाँ पे गाइस हम फेड को कर लेते हैं 30, और उसके बाद से गाइस यहाँ से अपनी फोटो को हम डन कर लेंगे। और देन उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम ऐड फोटो पे जाते हैं। और गाइस वहाँ पे गाइस आपको एक विंग की पीएनजी मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। और उसके बाद से इसको इरेजर में ले जाना है, हार्डनेस फुल करना है, और देन इसके बाद से इसको इरेज करके सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख लो एक बार, हार्डनेस को फुल करते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं। और फिर रिस्टोर ब्रश सेलेक्ट करके हम इसको कर लेते हैं। तो कुछ ही स्टेप से गाइस आपने दूसरे तरफ भी कर लेना है। और फिर गाइस दूसरे तरफ करने के बाद से उसको क्या करना है, उसको गाइस आपने एफएक्स में लेके जाना है, ठीक है। इसको हम एफएक्स में लेके चलते हैं और इसमें हम कलराइज में जाएंगे और सेम क्या करेंगे, इसमें ह्यू को हम जीरो कर देते हैं और देन इसको डन कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस ये भी हमारा सेट हो गया। देन क्या करते हैं उसके बाद से, यहाँ से अब इसको हम डन कर लेंगे। और गाइस यहाँ से डन करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर ऐड फोटो पे जाएंगे। और यहाँ पे गाइस आपको कुछ और पीएनजी मिल जाएगी, तो आपने उसको भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम आइस वाली पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। और इसका ब्लेंडिंग मोड गाइस हम स्क्रीन कर लेंगे और इसको हम फ्लिप कर देंगे, क्योंकि गाइस हमें रेड कलर वाले एरिया की तरफ लगाना है अपने आइस में। तो यहाँ पे गाइस हम इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद से गाइस हम फिर ऐड फोटो पे जाएंगे। और यहाँ पे गाइस दो पीएनजी और मिलेगी, तो आपने दोनों को ऐड कर लेना है। और यहाँ पे गाइस जो हमारा ये वाला पीएनजी है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉप कर लेते हैं। और यहाँ पे रेड कलर वाले एरिया में लगा देंगे इसको। और फिर गाइस ये ब्लू कलर जो है हमारा, ये रिंग है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है। और फिर क्या करना है जो, और फिर गाइस जो हमारे रेड कलर वाले एरिया में आ रहा है, उसको गाइस हम इरेज कर लेंगे। गाइस हमारी फोटो हो गई है फुली कंप्लीट, आप देख ही सकते हो। तो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना।